Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक ब्रांच है, जिनकी तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको मिनिमम सैलरी स्टाइपेंड आप बोल सकते हैं 1 लाख रुपीज ऑफर किया जा रहा है. सो ये बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए. सो मैं ही कहूँगी इसके बारे में जानना ना भूलिए. उसके लिए आपको वॉच करनी होगी इस वीडियो को कम्प्लीटली, और आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए और क्या क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा. बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ. आज का जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ब्रांच है, जिसके अंदर 3 नई ओपनिंग्स निकल कर आ रही हैं. और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, पहले आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस अपनी चेक करना. इफ़ यू पास द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट डेट हर पोजीशंस के आगे लिखी गई है, सो उस चीज़ के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये पर्टिकुलरली PDF ही एक ऐसा आपका सोर्स रहेगा जहाँ पर आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी और एप्लीकेशन की भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. सो सर, स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल कर आ रही हैं. ये सारी अपॉर्चुनिटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी, बट वंस यू हैव डन योर कॉन्ट्रैक्ट देन अगर आपका काम इनको पसंद आता है, यहाँ पे आप इनके साथ फुल टाइम भी एसोसिएट हो सकते हैं. फर्स्ट है इनके पास चीफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट पोजिशन है, जो कि आप कौन सी फील्ड पर काम करेंगे, वैल्यूएशन की फील्ड पर स्कूल ऑफ फाइनेंस के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रहेगी. और यहाँ पे मंथली आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. लास्ट डेट की बात करें सो इसकी एप्लीकेशन 21/4/2023, दैट मीन्स 21 ऑफ दिस मंथ को ख़त्म हो जाएगी. 21 से पहले पहले आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है. सेकेंड ओपनिंग की बात करें तो सीनियर कंसल्टेंट की या सीनियर रिसर्च एसोसिएट की रिक्वायरमेंट है, और आपका फील्ड रहेगा स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ पे भी आपको 1 लाख रुपीज़ तक का जो सैलरी है वो प्रोवाइड किया जा सकता है. थर्ड है हमारे पास रिसर्च एसोसिएट की, आप आएंगे फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर सेक्रेटरीट के अंदर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी और यहाँ पे मंथली आपको 40,000 रुपीज़ तक का प्रोवाइड किया जाने वाला है. फर्स्ट और थर्ड के लिए लास्ट डेट रहेगी 21st of April एंड सेकेंड वाली के लिए रहेगी 15th of April. सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जाके अप्लाई कर सकते हैं. बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की. सो फर्स्ट जो हमारे पास ओपनिंग निकल कर आ रही थी CPE की, विच इज चीफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे मास्टर डिग्री एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, या तो अगर आप कोई CA CS CM में कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और रिसर्च होनी चाहिए फाइनेंस फील्ड के अंदर, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर थोड़ी आपने प्रैक्टिस की है इस पर्टिकुलर फील्ड में, आपको एकेडमिक अच्छा नॉलेज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. बात करते हैं सेकेंड अपॉर्चुनिटी की. सो सेकेंड अपॉर्चुनिटी के लिए भी मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी. अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स, इस तरह की फील्ड्स में अपनी डिग्रीज़ की है, तो आप यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स भी अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. कुछ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी फील्ड है उसी में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा. बाकी थर्ड अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए सो थर्ड अपॉर्चुनिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास. अगर आपके पास बैचलर्स है, LLB, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने की है सोशल साइंसेज में, LLM में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, बेसिक्स बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. मतलब मास्टर लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. सो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको सूट करती है आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. बाकी की सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई है क्या क्या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा. जस्ट आपको यहाँ पे सैलरी स्टाइपेंड मिलने वाला है, नो TA DA विल बी प्रोवाइडेड टू यू. सो ये याद रखिए कि फुल टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी एंड फर्स्ट इनिशियल पीरियड जो रहेगा दैट विल बी 6 months to 1 year. 6 months से लेके 1 year के बीच बीच आप यहाँ पे
एक तरह की इंटर्नशिप या आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आप कंप्लीट करेंगे, देन आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे इसी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एक फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, यही एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीटली फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप इसे सेंड करेंगे। टॉप ऑफ द इस पीडीएफ पे जाएंगे तो आपके पास एक ईमेल आईडी यही है, वहां पे आपको इसे मेल कर देना है। सो अपना सीवी और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं, गो हैड अप्लाई कीजिए फटाफट से। कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।